दोस्तों चुतियापा का भी एक हद होता है, जिसे हम देखकर उसे हीरो बनाते हैं, वही समाज को क्या मैसेज देता है? कभी इस बात को समझते नहीं हैं, जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज एक सच्चा प्रेमी है और सच्चा प्यार करता है, और सरफराज के साथ काम करने वाले एक्टर आमिर खान धोखा देते हैं आज के जमाने में रॉन्ग नंबर कहकर। धोखा कैसे देते हैं ये हम सब देखते आ रहे हैं। जब खुद के पास राइट नंबर नहीं है तो रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? जब खुद के पास राइट नंबर का सलूशन नहीं है तो रॉन्ग नंबर क्यों बोल रहे हो? हमारे समाज को क्या मैसेज पहुंच रही है ये दुनिया देख रही है। हर 15 साल में बीबी बदलना मजाक हो गया है, और 15 साल में फिर शादी करना ये उनके लिए फैशन हो चुका है। लेकिन जिस आमिर खान को हम देखते हैं फिल्मों में, टीवी में, आज वही समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो औरतों को क्या मैसेज देते हैं? वो लेडीज को क्या मैसेज देते हैं? आज का यूथ फिर कल जाकर क्या करेगा ये कभी सोचे ही नहीं होंगे। एक्टर के नाम पर हम बनाते हैं हीरो, लेकिन समाज में क्या मैसेज पहुंचाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोपोगंडा फैलाते हैं ये हमें कभी भी सोचे नहीं। जिसे शादी किया उसको छोड़ दिया एक बच्चे के साथ, फिर दूसरा शादी किया छोड़ दिया और एक बच्चे बच्ची के साथ, डिवोर्स यानी कि तलाक होने पर उन लोग भी मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। ये जो रंगीला आमिर खान अपना करतूत जो दिखा रहा है समाज के अंदर, क्या मैसेज पहुंचा रहा है इसे खुद को भी पता नहीं है। ये रंगीन जवानी में रंगीला बनना चाहता है, जैसे कि जवानी खत्म होती जा रही है। हर 15 साल में अगर एक शादी तो 30 साल के बाद दो शादी, 45 के बाद तीन शादी, 60 के बाद शादी होने का भी लायक नहीं रहेगा। और खाली गलती आमिर खान की नहीं है, दूसरा शादी करने वाली लड़की का भी गलती है। अगर हमारे समाज में इस चीज को सही से समझ लेते तो फिर दूसरा शादी करने वाला आदमी कभी भी सोचता नहीं। दूसरा शादी करना मना नहीं है, अगर आपके पास वो सुविधा और शोहरत है तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को डिवोर्स तलाक देने के बाद तुम शादी करना ये सही नहीं है। ये समाज को भी गंदा मैसेज पहुंचाता है, और लोग भी इसको देखकर अट्रैक्टिव होते हैं, और बहुत सारे लोग खराब भी हो जाते हैं। आम जिंदगी में आम लोग क्या चाहते हैं? अगर आमिर खान ऐसा कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता हूं। आमिर खान का रंगीला रंगरंगी देखकर दूसरे लोग भी ऐसा करने का कोशिश कर, फिर दूसरों की जिंदगी बर्बाद होने को कतई कमी नहीं होता। खाली आमिर खान बोल के नहीं, पूरे बॉलीवुड में ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर ऐसे हैं कि एक शादी से खुश नहीं होते हैं और एक शादी से सचित नहीं रहते हैं। कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं नजर डालते रहते हैं। अगर ये सिस्टम ही ऐसा है उनका तो क्या कर सकते हैं। चाहे हीरो हो या हीरोइन, किसी से प्यार तो किसी और से शादी, किसी और के साथ रिलेशनशिप, फिर किसी और के साथ ओयो, ये उनके बीच में चलता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। न्यूज़ में देखो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया में देखो, कहीं ना कहीं आपको नज़र आता होगा, इससे तलाक हुआ तो उससे शादी हुआ, इससे रिलेशनशिप है तो उसका शादी का डेट फिक्स हो रहा है। और आम आदमी क्या करता है, घर में खाने को ठीक से नहीं होगा लेकिन ऐसे लोगों का फैन हुआ फिरता नजर आएगा। वो कैसा कैसा करते हैं वैसा वैसा ये फॉलो करते रहता है। वो तो अपने ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन ये आम आदमी, अभी भी वक्त है सुधर जाइए, वरना जिंदगी कहाँ लेके पहुँचाएगी किसी को अंदाज नहीं है। बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डायरेक्ट दिल से इंडिया।